मित्रों, जब हम यह समझ चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में कि डायबिटीज को पर्याप्त नियंत्रण में रखना कितना आवश्यक है, तो आइए अब कुछ चर्चा करते हैं कि हम इस नियंत्रण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह बात ध्यान रहे कि डायबिटीज में बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रण में रखना इसके उपचार का एकमात्र उपाय है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता, आपको इसे नियंत्रण में लाना ही पड़ेगा। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इससे आप सहजता से लीजिए और सरलता पूर्वक कीजिए, क्योंकि आप इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। और वास्तव में केवल आप ही अपनी डायबिटीज को नियंत्रण में ला सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने आपके परिवार का हो या आपका डॉक्टर, इसमें केवल आपकी सहायता कर पाएगा, वह आपकी डायबिटीज को अकेला नियंत्रण में नहीं ला सकता। तो यहां डायबिटीज के नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपकी, आपके परिवारजनों की और डॉक्टर की, सबकी सम्मिलित भागीदारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह चर्चा आवश्यक है जिसमें आप इसे समझें, इसके विषय में जानें और फिर इस पर कार्यान्वित करें, जिससे आप अपनी शुगर को नियंत्रित कर सकें। वास्तव में जीवन शैली का नियंत्रण डायबिटीज के उपचार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह डायबिटीज नियंत्रण में सफलता की कुंजी है। यदि आप निमोनिया का इलाज कराने जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको निमोनिया के नियंत्रण के लिए दवाएं दी, आपने उन दवाओं को निश्चित अवधि तक खाया और अपने निमोनिया को ठीक करने में सफलता प्राप्त कर ली। परंतु डायबिटीज निमोनिया से भिन्न है। डायबिटीज जीवन शैली की गड़बड़ियों से उपजने वाली बीमारी है, जो कि जीवन शैली को नियंत्रण में लाकर सबसे सफलतापूर्वक कंट्रोल की जा सकती है। दवाओं का प्रभाव जीवन शैली के नियंत्रण से कम ही है। वास्तव में 2/3 भाग हमारे जीवन शैली में नियंत्रण का है और केवल 1/3 भाग हमारे दवाओं का या इंसुलिन का है। तो आवश्यक है इस बात को जानना कि हम जीवन शैली नियंत्रित करने के लिए भोजन में क्या करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, व्यायाम, कौन सा व्यायाम करें, कब करें, किस प्रकार से करें। वजन हमारे डायबिटीज नियंत्रण का, जीवन शैली को नियंत्रित करने का एक केंद्र बिंदु है। एक आदर्श वजन को कैसे प्राप्त करें और इन सबसे महत्वपूर्ण, हम तनाव मुक्त कैसे रहें, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज है जो कि जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली हर बीमारी को कई गुना तक बढ़ा देती है और उसके ट्रीटमेंट का प्रभाव कई गुना तक कम कर देती है। तो मित्रों, एक आखिरी संदेश कि डायबिटीज में इस जीवन शैली जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यह जीवन शैली केवल डायबिटिक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। वास्तव में यह एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली है जिसको हम सभी वयस्क लोगों को अपने प्रयोग में लाना चाहिए। डायबिटिक व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को यदि यह जीवन शैली अपनाएगा, तो यह उसको आने वाली डायबिटीज और आने वाले कई दूसरे खतरों से बचाने में मदद करेगी। तो मित्रों, इन जानकारियों के साथ उठिए, खड़े होइए, तैयार होइए और लग जाइए अपनी डायबिटीज को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने में, अपने जीवन शैली में पर्याप्त बदलाव लाने के साथ। धन्यवाद।